हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक अनदर एनक्लेक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इस टाइम जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो एक रीनल सिस्टम का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये रीनल में भी काउंट हो सकता है और न्यूरो में भी काउंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव अ पैराप्लेजिक पेशेंट विद रीनल कैलकुलाई, विच फैक्टर contributes to the development of calculi। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दो वर्ड समझने की सबसे पहले ज़रूरत है। सबसे फर्स्टली paraplegic एंड द सेकेंड इज renal calculi। तो सबसे पहले बात करते हैं paraplegic। paraplegic कॉमन टर्म है, वेरी सिंपल टर्म है। paraplegic टर्म का मतलब होता है paralysis of लोअर लिम्ब। अगर मैं बिल्कुल डीप में ना जाके अगर सुपरफिशियल एक सिंपल डेफिनेशन दूँ पैराप्लेजिक की, इट इज़ अ पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब। ओके, दैट्स मीन कि एक पेशेंट है जिसको पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब है और उस पेशेंट को है रीनल कैलकुलाई। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि वॉट इज रीनल कैलकुलाई। इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, इवन लेमैन पर्सन को भी पता होगा वॉट इज रीनल कैलकुलाई। हिंदी में बोले तो रीनल कैलकुलाई का मतलब होता है पथरी, और अगर सिंपल इंग्लिश टर्म में अगर मैं बोलूं तो रीनल कैलकुलाई का मतलब होता है रीनल स्टोन। दैट्स मीन कि एक पैराप्लेजिक पेशेंट को रीनल कैलकुलाई या फिर रीनल स्टोन है। तो इन चार में से वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से इस पैराप्लेजिक पेशेंट को रीनल स्टोन हुआ है या होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए हम चार ऑप्शंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन कहता है डिक्रीज किडनी फंक्शन, सेकंड कहता है इंक्रीज्ड कैल्शियम लॉस फ्रॉम दी बोन, थर्ड कहता है हाई फ्लूइड इनटेक, फोर्थ कहता है डिक्रीज्ड कैल्शियम इनटेक। चलिए का तो आप तो कुछ टाइम लीजिए, 10 सेकंड का सोचिए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, फिर हम देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। सो स्टार्ट करते हैं। तो पैराप्लेजिक पेशेंट फर्स्टली ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट डिक्रीज किडनी फंक्शन। ओके, कहीं हमें पता है कि पैराप्लेजिक पेशेंट का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब। इसकी डेफिनेशन, और अगर आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ा है पैराप्लेजिक पेशेंट के बारे में तो आपको पता होगा कि पैराप्लेजिक पेशेंट में कहीं भी एज सच किडनी फंक्शन डिक्रीज नहीं होता। और सिर्फ यहाँ पे सिंपल सिर्फ पैरालिसिस पेशेंट लिखा है पैराप्लेजिक, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं है कि यहाँ पे किडनी फंक्शन डिक्रीज्ड है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ए ऑप्शन को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं डी ऑप्शन पे। अगर मैं देखूँ देयर इज अ डिक्रीज कैल्शियम इनटेक, किसी भी फूड का इनटेक डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी डाइट में कितना ले रहे हैं। मैंने बोला पैराप्लेजिक पेशेंट इज पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, इसमें फूड इनटेक का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर कोई पेशेंट को पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब है तो डेफिनेटली उसका अगर सपोज पूरा टोटल होल फूड इनटेक भी डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे तो स्पेसिफिक डिक्रीज कैल्शियम इनटेक लिखा है, जबकि यहाँ पे तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, तो डी भी हटा दीजिए। नाउ बचे दो ऑप्शन बी एंड सी। अब बात क्लियर है, अब अगर हमने रीनल कैलकुलाई पढ़ा है तो हमें पता है जितना ज़्यादा फ्लूड इनटेक होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यूरिन आउटपुट। और जितना ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा उसकी वजह से यूरिन कैसा आएगा, डाइल्यूटेड। तो यानी कि अगर किसी पेशेंट का फ्लूइड इनटेक ज़्यादा है तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो यूरिन कैसा आएगा, डाइल्यूटेड। और डाइल्यूटेड यूरिन में रीनल स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रीनल स्टोन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन में। तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन हटा देते हैं, सी। सो द राइट आंसर इज बी। बी ऑप्शन क्या कहता है, इंक्रीज कैल्शियम लॉस फ्रॉम दी बोन।
इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. बोन्स पे अगर हाई प्रेशर डलता है, हाई प्रेशर या बोन पे स्ट्रेन. अब हम बोलेंगे कि बोन पे स्ट्रेन और प्रेशर का मतलब क्या है. अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, इवन फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं तो हम नॉर्मली जैसे हाई फिजिकल एक्टिविटी के अलावा सपोज आप वॉक कर रहे हो, डेली रूटीन हम काम करते हैं, तो होता क्या है, हमारी बॉडी वेट की वजह से हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर डलता है, बोन्स पे प्रेशर डलता है. और बोन्स पे जब प्रेशर डलता है तो बोन्स क्या करती है, ब्लड का जो कैल्शियम होता है उसको किस में ले लेती है, अपने बोन्स में. यानी कि जब बोन्स के ऊपर प्रेशर डलेगा, बोन्स पे स्ट्रेन डलेगा, तो बोन्स में कैल्शियम एंटर करता है. अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर पैराप्लेजिक पेशेंट है, लोअर लिम का पैरालिसिस है, पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, पेशेंट चल नहीं सकता, अगर पेशेंट को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी है तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी व्हीलचेयर, यानी कि पेशेंट अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकता. जब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यूज़ नहीं होंगी तो बोन पे प्रेशर नहीं डलेगा और होगा ऑपोजिट, क्या बोन वाला कैल्शियम किस में एंटर कर जाएगा, ब्लड में. और ब्लड से जब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो अब काम आता है किडनी का, ब्लड के कैल्शियम को किडनी बाहर निकालेगी, और बाहर निकालने का मेथड क्या होगा, यूरिन. अब यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाएगा, और जब यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाएगा तो क्या होने के चांसेस होंगे, रीनल स्टोन. यानी द करेक्ट आंसर इज बी, इंक्रीज्ड कैल्शियम लॉस फ्रॉम दी. समराइज कर लेते हैं इसके ऑप्शन को. अब हमें पता चल चुका है कि हमारा राइट आंसर बी है. ए इसलिए नहीं है क्योंकि पैरालिसिस यानी फिर पैराप्लेजिक पेशेंट में किडनी फंक्शन लॉस का कोई इंडिकेशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट बात करें सी. सी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होगा तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, यूरिन डाइल्यूटेड होगा और रीनल स्टोन बनने के चांसेस कम होंगे. और डी हम एक और रीज़न से भी हटा सकते हैं. हमें यहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज़ अ डिक्रीज कैल्शियम इंटेक. मोस्ट कॉमनली रीनल कैलकुलाई सबसे कॉमनली किस चीज़ से बने होते हैं, कैल्शियम से. अगर हम अपने फूड में कैल्शियम कम लेंगे तो रीनल कैलकुलाई बनने के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे. तो इसलिए हम एक तरीके से डी भी हटा सकते हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी.